हेलो दोस्तों आज के में ये एक रैंडम्स गेम प्ले और मैं रैंडम्स के साथ काफी खम खेलता हूं इसमें दो बंदे रैंडम है एक नंबर और चार नंबर सो आई थिंक ये मैं चल का पहला रैंडम गेम प्ले पहला नहीं है तो आई थिंक कोई बहुत ज्यादा मैंने डाले भी हैं दूसरा तीसरा ही होगा शायद से अरे हम आए हैं सानक में अपनी ऑल टाइम फेवरेट जगह पैराडाइज रिजॉर्ट जहाँ पे अक्सर हमारा डब्बा बन जाता है हम ज़्यादातर टूसी हो जाते हैं, हैं। यहाँ पे हमारे आगे एक स्क्वाड होते हैं जिनके मेरे को ऑलमोस्ट हेड दिख रहे होते हैं और मेरी एक भी बुलेट उन पर कनेक्ट नहीं होती आई एम सो प्रो यू कैन सी बट यार कोई नहीं मेरी बुलेट कनेक्ट हुई मेरा ग्रेनेड तो डेफिनेटली कनेक्ट होगा वैसे भी मैंने ग्रेनेड्स की ट्रेनिंग पर्सनली सोल मॉटल से लिया बाय द वे मैं मजाक कर रहा हूँ अरे उनका एक बंदा नॉक करने के बाद पता नहीं क्यों मैं अपनी जॉस्टिक में अटक जाता हूँ और सी डीओ पर अटक जाता हूँ बेसिकली और उनको ऊपर एक बंदा फुल कैंप करके बैठा है ये देखो मेरे आगे ये भाई साहब का ना एम बहुत ही बेकार है ये मेरे को ईजिली डाल सकते थे बट इन पता नहीं क्या किया वैसे इन लोग अभी नॉक कर देते हैं अगर मेरा एक ए के एम का बुलेट इन पर हेड पे, पे कनेक्ट नहीं होता और पता नहीं यहाँ पे क्यों मेरे हाथ में वेक्टर होता है और ए के एम आ भी नहीं होती वापस मेरे फ़ोन कट्टा जवाब दे चुके हैं कि अरे नहीं भाई तू पबजी छोड़ दे वरना मैं जीना छोड़ दूँगा फट जाऊँगा एक तो खैर वो सब तो बिल्कुल अलग बात है और इनका आखिरी का बंदा हमें यहाँ पर कोई मिलता ही नहीं ये सारे बंदे नॉक ब्लीड पड़े रहता है हम इतना इन्हें मतलब मैं क्या बताऊँ बाकी बंदों को इतना ढूंढने की कोशिश करता हूँ ना मैम बट फिर एंड में जब मेरे को कोई मिलता ही नहीं तो मैं सोचता एक पेन किलर मारो और बात ख़त्म करो और यहाँ पे आती है गाड़ी जिसमें से निकलते हैं ये तो बंदे तो इनका एक बंदा तो मैंने बीबी एम फोर से मारा और उनका आगे एक बंदा बिल्कुल बॉट की तरह चल रहा होगा मेरे को पता नहीं क्यों एक पत्थर के पास से पड़ा देगा गरीब आदमी ये देखो मेरे आगे जो बंदा है ये नूब था ये बहुत बड़ा नूब प्लेयर था ये और ये सही में गाड़ी से उतरते और उतरते सारे नए पैराडाइज में हम मिल जाते हैं तो कह रहे यहाँ पे आता है गईज एक बॉट एक बहुत ही प्यारा बॉट जो कि मेरे किल्स बढ़वाता है लाइक सीरियसली बॉट्स आर लव और ये यहाँ पे हम जब जोन में जा रहे होते हैं तो पीछे से हमारे एक टीम को पड़ जाता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने टीम के कौर पर रखने की मेरे को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आप देख सकते हो कि मेरे आगे पेड़ हैं जिनकी वजह से एनिमीज मेरे पे डायरेक्ट एम नहीं ले पाएंगे सो मैं जस्ट थोड़ा सा यू ना स्काउट आउट ऐसे ही फ्लैंकिंग सोच रहा था और तुम सोचते हो कोई बंदा दिख जाए बट ऐसे कुछ होता नहीं है सो अपने उस टीम को रिवाइव मिल जाता है और हम आते हैं जोन में और मेरे को जोन से एक बंदा ओपन में जाता हुआ देखता है जिसपे मैं बहुत ही बेकार स्प्रे देता हूँ और वो बंदा नॉक नहीं होता है बट खैर स्प्रे अभी ख़त्म नहीं हुआ और वो बंदा अब नॉक हो गया इस बंदे को मैंने काफ़ी दो तीन हेड लग गए पता नहीं नॉक कैसे नहीं हुआ है। मैं सही में यही सोच रहा हूँ अब तक उससे दो हेड शॉर्ट्स लगे मेरे आगे तो खैर वो नॉक तो हो गया और हमारा एक टीममेट भी नॉक हो गया है काइ एन डब्ल्यू पता नहीं अजीब से नाम वाले बंदे से और ये सीन काफ़ी इंटेंस होता है अभी हमारे दो और टीम नॉक हो जाएंगे ठीक है तो और बचेंगे सिर्फ मैं और डूड तो यहाँ पर मेरी एक्चुअली में हालत खराब हो रही थी और मेरे एक टीम मेट रैंडम वाले कह जा रहा था मार्क कर मार्क कर तो मैं बड़ी मेहनत से मार्क करता हूँ मैं पहले जो एनिमी सेट लगाता हूँ वो मेरे पत्थर पर लग जाते है मेरा गए और यार बस सारे नौक अब भाई मेरा एक ही काम है मैं सोचता हूँ भाई रिवाइव दे दो सोचता हूँ ग्रेनेड करूँ पर ग्रेनेड होता नहीं तो भाई भाग जाओ अब मेरा टीम मेट्स उन्हें ऑलरेडी रिवाइव दे चुका होता है एक एक टीम मेट हमारा रैंडम रिवाइव हो जाएगा और दूसरे को दे देगा तो बस एक रैंडम बंदा मेरे को बोलता है भाई कवर दे यार अब बस जोश हर दे अब तो भाई कवर देना नहीं इनका फ़ोन मेरे को पता नहीं कौन सा बटर कवर गिफ्ट कर रहे हैं क्या जोक से बट अब मेरे को नहीं अपोनेंट से मेरे को कवर देना है इनका एक बंदा नॉक है दो तीन बंदे नौके देखो तो आखिरी के बंदे पे मैं पुश कर दूँगा वो बंदा मेरे पे एक बहुत ही प्यारा जंप शॉट देगा इस बंदे का मूवमेंट सही में बहुत अच्छा था बट इससे पहले कि वो जंप शॉट से ज़मीन पर लैंड हो मैं उसे हवा में ही पूरा खा जाता हूँ ये देख के मेरे को काफ़ी मज़ा आता है और आगे मुझको दिखता है एक ओपन में लेटा हुआ सांप जो कि सैनॉक में बहुत मशहूर है सैनॉ सिर्फ इन सांपों की वजह से बदाम है बट सही बता रहा हूँ गन फाइट के लिए सैनोक इज दी बेस्ट मैप बट खैर और यहाँ पर हमारा जोन में मतलब बहुत ही मुश्किल आता है हमारे सारे टीम मेट्स बेचारे जोन से मर देंगे मैं अकेला लोन मैन बचूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे कुत्ते की तरह जोन में भाग रहा हूँ और मैं लकीली जोन में पहुँच जाऊँगा ये और एंड जोन एंड सीस का मैंने सोचा मैं आज से गेम प्लेयर बिल्कुल कट नहीं करूँगा एंड सीन बिल्कुल फुल दिखाऊंगा और यहाँ पे आप देखो आगे होते हैं बंदे उनकी होती है फाइट मेरा आगे से एक बंदा भागता है बट मैं स्प्रे नहीं देता बिकॉज जितनी दूर एम फोर फोर एक्स देना उतना काम की बात है भी नहीं वैसे भी मैं कोई आईफोन वाला प्लेयर तो होनी जो बिल्कुल लेजर दूँगा तरह आगे हम जाते हैं यहाँ पर हमें आता है एक कॉल तो यू नो एंड जोन चिकन डिनर इज़ वेरी नियर किल्स भी आए हैं कॉन्टेंट भी निकल सकते हैं तो अफसोस हमें उस कॉल को पड़ता है काटना ये बर्गर और लॉलीपॉप मेरी बहुत हेल्प करता है इस मैच में कॉलर नेम छुपाने के लिए तो यह उनकी हो रही थी फाइट और मैं सोचता हूँ चू ना भाई साहब जोन में निकला था और आगे मैं अपनी हाथ में एम फोर ले कर जोन में जाता हूँ आगे वो गेट खुला है मेरे को ऐसा लगता है एक मिनट लगे कि, कि कोई बंदा वहाँ से पिक करके बैठे बट ऐसा कुछ होता नहीं और जब मैं क्लोज इन करूँगा तो ओपन में दो बंदे भाग रहे होंगे ठीक है और एक बंदे पे मैं कहूँगा बहुत डैमेज दूंगा वो पता नहीं बंदा किधर मर जाएगा एप मेरे को लगता है देखो ये वाला ये पता नहीं कितने एच पी सही बहुत सही मूवमेंट देता है और इसका ये वाला बंदा खड़े खड़े मार रहा है इस पर मैं इतना गजब का भाई मेरे को लगता है मिड रेंज में सही जिकल था बिकॉज वो खड़े खड़े मार रहा था तो उसका मतलब एम अच्छा होगा बिकॉज खड़े खड़े मारे तो आपका हिलता नहीं है मैं बिल्कुल तब भी लेफ्ट राइट कर रहा था और तब भी वो मेरे को नहीं मार पाया तो इसमें क्या बोलूँ ये बंदा बिल्कुल नूब था इस टाइम पर मेरा दिल मेरे मुँह में आ जाता है और हाँ उसे सही मैसेज और ये यहाँ पे मेरे को वॉइस ओवर करते टाइम फिर से कॉल आ जाता है आप देख सकते हो मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है मैं चैन से नहीं खेल सकता हूँ ना ही वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ ऐसी कुछ वजहों की वजह से मैं अपने चैनल पे रेगुलर रह नहीं पा रहा और यहाँ आप देख सकते कि मैं बिल्कुल जोन के बाहर होता हूँ बीच में होता है पानी तो अब बस चिकन डिनर तो चला गया बट एक चीज मैं कर सकता हूँ एक, था। एक डब्बा दिखता है मैं समझ जाता हूँ बंदे होंगे और मेरे को इधर ओपन में एक बंदा भागता तो दिखता है जिसका मैंने सोच ही कि भाई इसका किल तो निकालना है सो so, इस बंदे को नौक दिया अब मेरे को दूर से स्प्रे आएगा अब मैं हवा में अंदर स्प्रे स्प्रे देता हूँ बिकॉज मेरे को उस बंदे का हर हाल में किल निकालना होता है वो बंदा पेड़ के पीछे छुपा होता है मैं सोचता हूँ कैसे करके उसका किल निकाल निकालना दस की ग्यारह किल जाएंगे बट ऐसे कुछ हो नहीं पाता Uh, bus. i hope you the video i'll we'll see you next video Yo, here for the money i here for the fame so it might be nice to own a jet plane. i'm gonna do it off you come along and see us true